राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ किया जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। सेना प्रमुख को मिला परम विशिष्ट सेवा पदक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को रक्षा अलंकरण समारोह 8:29 2022 10 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए 6 मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र प्रदान किए। राष्ट्रपति ने असाधारण क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राष्ट्रपति से परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया। कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वे जम्मू कश्मीर में एक काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार अनिल तोमर, हवलदार पिंकू कुमार, हवलदार काशिरे बनमानल्ली, नायब सूबेदार श्रीजीत एम और सिपाही जसवंत रेड्डी को उनके वीरता के कार्यों के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सहित अन्य लोग शामिल हुए।